दोस्तों कौन थी वो महिला और कहाँ चली गई वो चलती ट्रेन से, और क्या था उसके उस बैग में जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चलिए आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये बात है 5 जून 2012 की, जो कि एक ट्रेन यूपी के एक छोटे से गांव से बिहार की तरफ जा रही थी और पूरी की पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली हो गई थी। ट्रेन के आगे वाले डिब्बे में खाली 2 ही लोग बैठे थे, उसमें से एक मनोज साहब थे और एक वो औरत थी। और जैसे ही ट्रेन ने अपनी पूरी रफ्तार पकड़ी तो वैसे ही वो महिला शौचालय की तरफ गई और करीब करीब 1 घंटे तक वापस न आने पर मनोज भाई ने उसे ढूंढने चालू किया, लेकिन वो महिला डिब्बे के अंदर कहीं पे भी नहीं थी। और वो जो डिब्बा था वो दोनों तरफ से पैक था, मींस आप एक डब्बे से दूसरे डब्बे में नहीं जा सकते थे। तो वो महिला गई तो गई कहाँ। जैसे ही अगला स्टेशन पे ट्रेन रुकी तो मनोज भाई ने ये सारी बात वहाँ के मौजूदा स्टेशन मास्टर और RPF को बताई। वो बात को सुनकर उन्होंने तुरंत ही उस महिला को ढूंढने के लिए प्रक्रिया चली। दोस्तों पूरी रात को ट्रेन और वो रेल सेक्शन खंगालने के बाद भी वो महिला कहीं पे भी नहीं मिली, तो वहाँ के मौजूदा स्टेशन मास्टर और RPF की नजर उसके बैग पर पड़ी और उन्होंने उसके बैग को जैसे ही खोलकर देखा तो उसके अंदर एक ऐसी चीज निकली जिसे देखकर उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। तो दोस्तों ऐसा क्या निकला उस बैग से, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों जैसे ही RPF ऑफिसर ने उसके बैग को खोला तो उसके अंदर लेडीज के कपड़ों के बजाय सारे के सारे जेंट्स के कपड़े थे और उन सब कपड़ों के नीचे से एक पेपर झाक रहा था। जैसे RPF ने उस दस्तावेज को उठाया तो उसने देखा ये तो एक आधार कार्ड था और वो आधार कार्ड मनोज भाई का ही था, जिसे देखकर उन सबके रोंगटे खड़े हो गए। फिर स्टेशन मास्टर ने मनोज भाई के रिलेटिव से बात फोन पर बातचीत की तो उन्हें सारा मामला पता चला कि मनोज भाई की दिमागी हालत थोड़ी सी कमजोर है और वो बहुत ही ज्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं और वो ऐसे ही ओवरथिंकिंग करते करते बहुत सारी कहानियां बना लेते हैं और उसे सच मानने बैठ जाते हैं। तो दोस्तों इससे ये पता चला कि अस्तित्व में ऐसी कोई महिला है ही नहीं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को